हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नाशा विद मॉम में। मैं हूँ नीरज प्रजापति। आज मैं बनाने जा रही हूँ लइया चाट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कटोरी लइया ली है। इसमें मूंगफली के दाने भी पड़े हैं जो मैंने पहले कलार के रखी थी। और ये एक मैंने टमाटर लिया है, थोड़ी सी पत्ता गोभी ली, इसको बंदा भी कहते हैं। एक प्याज लिया है, एक हरी कटी हुई हरी मिर्च ली है, ये चिली सॉस है, ये टमाटो सॉस है। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। और गैस को ऑयल को गरम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ऑयल हमारा गरम हो चुका, अब हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। ये मैंने पलटा लिया है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। अब हम हरी मिर्च और बंदा डालेंगे। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम 2 चम्मच केचप डालेंगे, टमाटो केचप, 1 चम्मच चिली सॉस। अब इस अच्छे से चला देंगे इसको। लइया में नमक पहले से होता तो मैं 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें। 2 चुटकी गरम मसाला, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारी लइया है वो इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। अब इसको फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। फिर इसको अच्छे से कला लेंगे। बच्चों का कुछ अलग खाने का मन था तो मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ। सो फ्रेंड्स, लइया चाट हमारी बन के तैयार है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे, इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लइया चाट बन के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे बंधा पत्ता गोभी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कैसी बनी हमारी लइया चाट। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी अगर चाट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कीजिए। बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।